हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाल ही में फ़िलिस्तीन ने कंप्लेंट करना शुरू कर दिया है इंडिया को, क्योंकि यहाँ पर यूएन काउंसलिंग में इंडिया ने फ़िलिस्तीन को नहीं किया सपोर्ट। देखिए, वैसे तो इंडिया ने इसराइल को भी सपोर्ट नहीं किया, फिर भी फ़िलिस्तीन इंडिया से इस बात को लेकर कंप्लेंट कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, द हिंदू का आर्टिकल है जिसमें लिखा है, फ़िलिस्तीन फ्लाइज इंडियाज़ अबस्टेंशन फ्रॉम यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल वोट। देखिए, ये दूसरा आर्टिकल है इंडिया एक्सप्रेस का, जिसमें भी वही सेम बात लिखी हुई है। देखो, फ़िलिस्तीन ने इंडिया के लिए काफ़ी अजीब शब्द का इस्तेमाल किया है। देखो, फ़िलिस्तीन यहाँ बोल रहा है कि इंडिया का जो सपोर्ट है इसराइल के लिए, इसकी वजह से ह्यूमन राइट्स के लिए जो लड़ाई है वो काफ़ी हद तक दब जाती है इंडिया के ऐसा करने से। फ़िलिस्तीन इंडिया की आलोचना करते हुए पूरी एक चिट्ठी लिखी है इंडिया के विदेश मंत्री एस जयशंकर को। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इंडिया की जो नीति है इसराइल को लेकर, इसकी वजह से फ़िलिस्तीन को काफ़ी नुकसान भी हुआ है। देखो, आप लोगों को पता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब हो रहा है इसराइल और फ़िलिस्तीन की वॉर को लेके, जो हाल ही में हुई थी। आपको पता ही होगा कि इसराइल ने काफ़ी बॉम्बिंग की थी गाजा पट्टी की, कई लोग भी यहाँ पर मारे गए थे। देखो, इस वॉर के चलते फ़िलिस्तीन और फ़िलिस्तीन की सपोर्टिव कंट्री जैसे सारी की सारी OIC कंट्रीज, ये सब गई यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, जहाँ पर वोटिंग हुई इस वॉर को लेके, जो ये इसराइल ने बॉम्बिंग की है गाजा पट्टी की, ये वॉर क्राइम है या नहीं। यहाँ पर इसराइल के खिलाफ इंटरनेशनल केस ऑफ जस्टिस में केस होना चाहिए इसराइल की आर्मी के खिलाफ और इसराइल के आर्मी जनरल के खिलाफ। देखिए, इस बात को लेकर यूएन ह्यूमन राइट्स में हुई वोटिंग को, यूनाइटेड का जो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, ये आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में। इसके अभी के प्रेसिडेंट हैं नजत समीम। देखो, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में दुनिया की 193 कंट्रीज हमेशा इसका हिस्सा नहीं रहती हैं, मतलब कि इसमें रीजन के हिसाब से हर 2 साल के लिए इसके मेंबर बनते हैं। देखो, अभी के लिए इंडिया भी इसका मेंबर है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस फोटो में। और भी कंट्रीज हैं जो कि इसके मेंबर हैं, जैसे कि चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, फिलीपींस। अभी तो 2021 तक इंडिया इसका मेंबर रहेगा। देखो, जो यूएन काउंसिल में जो करंट मेंबर होते हैं, बस वही किसी देश के खिलाफ या उसके सपोर्ट में वोटिंग कर सकते हैं। देखिए, आपको इसमें यूएसए मेंबर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में थे तब इन्होंने ये कह के यहाँ से एग्जिट कर लिया कि यहाँ पर बस पक्षपात होता है और यहाँ पर हमेशा इसराइल के खिलाफ निशाना साधा जाता है। देखो, यहाँ पर करंट मेंबर को करनी थी वोटिंग इसराइल और फ़िलिस्तीन के विवाद को लेकर, जिसमें फाइनल होना था कि इसराइल ने ये जो किया है फ़िलिस्तीन के साथ, क्या वो वॉर क्राइम की कैटेगरी में आता है या नहीं। पर देखो, यहाँ पर जिन कंट्रीज ने वोट किया है बाई, इसका मतलब है यस, यानी उनके लिए इसराइल ने जो किया है वो एक वॉर क्राइम है। इसका मतलब है कि इसराइल ने जो किया है फ़िलिस्तीन के साथ वो एक वॉर क्राइम है, मतलब कि इसराइल को इससे काफ़ी नुकसान है। और जिन्होंने वोट किया है एंड, मतलब कि ये सब कंट्रीज़ के लिए इसराइल ने जो फ़िलिस्तीन के साथ किया है वो सब सही किया है, ये सब कंट्रीज़ इसराइल के सपोर्ट में हैं। यहाँ पर जिन्होंने वोट किया है ए, मतलब कि इनको कोई मतलब नहीं है इस वॉर से, मतलब कि ए वोटिंग वाली सारी कंट्रीज़ न्यूट्रल हैं इस विवाद को लेकर। अब देखो, यहाँ पर बात आती है फ़िलिस्तीन की कंप्लेंट को लेकर, इंडिया ने इस वोटिंग में वोट किया था ए, मतलब कि इंडिया इन दोनों देश के बीच में एकदम न्यूट्रल था। भारत ने यहाँ पर किसी का साथ नहीं दिया, क्योंकि भारत को इन फ्यूचर फ़िलिस्तीन से काफ़ी काम है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर, और इसराइल से तो हमें काफ़ी वेपन परचेस करनी है, और भी कई सारे काम हैं जो इसराइल के साथ इंडिया को करने हैं, चाहे फिर वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो या फिर साइंस के फील्ड में हो। देखो, इंडिया के ए वोट करने पर फ़िलिस्तीन ने इंडिया के खिलाफ काफ़ी कुछ कहा। देखिए, साफ साफ पता चलता है कि फ़िलिस्तीन यहाँ पर चाहता है कि इंडिया ओपनली इसराइल के खिलाफ खड़ा रहे, लेकिन यहाँ इंडिया ने किसी का भी साथ नहीं दिया। फ़िलिस्तीन की ऐसी हरकत से इंडिया काफ़ी हैरान है, क्योंकि इंडिया फ़िलिस्तीन को हर साल $5 मिलियन देता है, क्योंकि फ़िलिस्तीन अपने आप को रिकवर कर सके इसराइल की होने वाली बॉम्बिंग से। देखिए, फ़िलिस्तीन ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है इंडिया के लिए, ऐसा जब इंडिया ने किसी देश को सपोर्ट नहीं किया तब, अगर इंडिया इसराइल के सपोर्ट में वोट करता तो पता नहीं फ़िलिस्तीन क्या बोलता। देखिए, इंडिया के इतने सपोर्ट के बाद भी फ़िलिस्तीन ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है, जबकि हम फ़िलिस्तीन को $5 मिलियन करके अब तक $72 मिलियन दे चुके हैं। देखिए, इतना जो हमने फ़िलिस्तीन को पैसा दिया है ये कभी लौट के आने वाला नहीं है, क्योंकि हमने इनको कोई लोन नहीं दिया है और ना ही हमने इन्वेस्ट किया है फ़िलिस्तीन में, ये हमने पैसा दिया है एज अ गिफ्ट। देखो, अगर इंडिया फ़िलिस्तीन के खिलाफ वोट करता तब, अगर ऐसा फ़िलिस्तीन करता तो जायज़ था, लेकिन इतना सपोर्ट के बाद भी ऐसा करना कोई अच्छी बात नहीं है। देखो, यहाँ साफ साफ पता चलता है कि फ़िलिस्तीन चाहता है कि इंडिया भी टर्की की तरह और पाकिस्तान की तरह इसराइल के खिलाफ खड़ा हो जाए, और वो भी अपने पासपोर्ट पर लिखवा ले कि ये पासपोर्ट सब देशों के लिए वैलिड है सिर्फ इसराइल को छोड़कर, जो कि ऐसा हो नहीं सकता।